बारिश में आ गई और चली भी गई कोई घर में सिवा। तो दोस्तों इस टाइप का ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस आप भी बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हो मेरे बोले हुए हर एक स्टेप को सही से फॉलो करके एंड दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देख के। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अस्के मिक्स पर। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो क्रिएट करना सीखेंगे बहुत ही आसानी से। एंड दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें बिना स्किप किए, मैं गारंटी लेता हूं आप लोग अगर लास्ट तक बिना स्किप किए वीडियो को देखते हो तो आप लोग इस तरह का ट्रेंडिंग स्टेटस बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हो। एंड दोस्तों इस वीडियो को क्रिएट करने में जो भी मेटल का मैं यूज़ कर रहा हूँ सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों फर्स्ट आप लोग क्या करना है, यहाँ पर काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद प्लस का बटन पे टच करना होगा। एंड दोस्तों जो सेकंड वाला रेशियो इसको आप लोगों को चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आप लोगों को बहुत सारे पिक्चर सेलेक्ट करना है जिसका भी आप स्टेटस क्रिएट करना चाहते हो। आप अगर खुद का क्रिएट करना चाहते हो तो खुद का बहुत सारे पिक्चर आप लोग सेलेक्ट कर ले। उसके बाद दोस्तों लास्ट वाले पिक्चर को आप लोगों को थोड़ा सा इंक्रीज करके रखना होगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा बढ़ा करके आप लोग लास्ट वाले पिक्चर को रखिएगा क्योंकि दोस्तों सॉन्ग ऐसा है जो मैच करेगा, लास्ट वाले में सैड टाइप का सॉन्ग है तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को लास्ट वाले पिक्चर को लेंथ इंक्रीज करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आप लोग इस तरह से थोड़ा सा जूम कर लें। उसके बाद दोस्तों इस पर एक पिक्चर पर आप लोग क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आप लोग क्लिप ग्राफिक्स, इस पर टच करें। इस पर टच करने के बाद दोस्तों आप लोगों को इन एनिमेशन को डाउनलोड करना है, गेट मोड पर जाना है। गेट मोड पर जाने के बाद दोस्तों फर्स्ट में ही इन एनिमेशन आप लोग देख सकते हैं तो इसे आप लोगों को डाउनलोड करना है। इसे डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप लोगों को हर एक पिक्चर पे इसे सिलेक्ट करना है। मान लो फर्स्ट पिक्चर मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, सेकंड पिक्चर पे फिर से क्लिप ग्राफिक्स में जाना होगा, सेकंड वाले को सिलेक्ट कर लिया, थर्ड में दोस्तों थर्ड वाले को सिलेक्ट कर लिया। ऐसे करके दोस्तों जितने भी पिक्चर है सारे में आप इस इफेक्ट को इन एनिमेशन को दे दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करना है मैं दिखाता हूँ, आप लोगों को लेयर पर टच करना होगा, मीडिया पर टच करना होगा। एंड दोस्तों आप लोगों को एक ब्लैक कलर का एक ब्लू कलर का जो शैडो है उसे सिलेक्ट करना है। फिर दोस्तों ब्लू कलर का शैडो को सिलेक्ट करके आप लोग नीचे इस तरह से सेट कर ले। एंड दोस्तों इसको खींच के आप लोग फुल वीडियो की लेंथ बराबर कर ले। उसके बाद दोस्तों आप लोग लेयर पर टच करें, मीडिया पर टच करें एंड ब्लैक कलर का जो शैडो है उसे आप लोग सिलेक्ट करें। तो मैं दिखाता हूँ, तो ब्लैक कलर का शैडो को चूज करने के बाद दोस्तों वो इस तरह से रोटेशन कर ले एंड इसे आप लोग इस तरह से सेट कर ले ऊपर में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोग क्या करना है, इसे थोड़ा सा आप लोग ब्रिंग टू फ्रंट कर ले एंड ए वाले लेयर को आप लोग फुल वीडियो बराबर कर ले, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आप लोगों को लेयर पर टच करना है, मीडिया पर टच करना है एंड ये वाले वीडियो को आप लोगों को ले आना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोग इसे नीचे जाइए, ब्लेंडिंग पे से स्क्रीन करें। स्क्रीन करने पर आप लोगों को क्या करना है, इसे आप लोगों को जूम करके रखना है, इस तरह से आप लोग जूम कर ले। तो दोस्तों इस तरह से इसे सेट कर लेना है ब्लेंडिंग करके। उसके बाद दोस्तों फिर से लेयर पर टच करना है, मीडिया पर टच करना है और दोस्तों आप लोगों को और एक वीडियो उसे सिलेक्ट करना है। मैं दिखाता हूँ कौन सा वीडियो है, तो उस वाले वीडियो को आप लोग सिलेक्ट करना है, इसे फुल स्क्रीन करना है। फुल स्क्रीन करने के बाद दोस्तों आप लोग क्या करना है, नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आप लोग देख सकते हो ब्लेंडिंग है, ब्लेंडिंग पर आप लोग इसे भी स्क्रीन कर लें, ठीक है। तो देखिए इस तरह का बहुत ही एक बेहतरीन लुक आएगा। उसके बाद दोस्तों फिर से लेयर पर टच करना होगा, मीडिया पर टच करना होगा और एक वीडियो दोस्तों उसे भी आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो मैं दिखाता हूँ कौन सा वीडियो है, तो दोस्तों आप लोगों को ये वाले वीडियो को सिलेक्ट करना है, इसे फुल स्क्रीन करना है। फुल स्क्रीन करने के बाद दोस्तों क्या करना है, आप लोग इसे भी ब्लेंडिंग करके स्क्रीन कर लें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, लेयर पर टच करना है, मीडिया पर टच करना है एंड जो बड़ा वाला पीएनजी है उसे सिलेक्ट करना है। उससे पहले दोस्तों और एक पिक्चर है उसे आप लोगों को सिलेक्ट करना है, ये वाले को आप लोग सिलेक्ट करें। इसे थोड़ा सा आप लोग इस तरह से जूम करके इस पोजीशन में सेट कर लें, ठीक है, लास्ट में। उसके बाद दोस्तों इसको आप लोग खींच के फुल वीडियो बराबर कर ले। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आप लोगों को लेयर पर टच करना होगा, मीडिया पर टच करना होगा एंड जो बड़ा वाला पेंज है उसे आप लोगों को यहाँ पर सेट करना है। तो मैं दिखाता हूँ दोस्तों, इसे आप लोग फुल स्क्रीन कर ले। इसे फुल स्क्रीन करने के बाद दोस्तों फुल वीडियो की लेंथ बराबर कर ले तो आपका वीडियो बनकर रेडी हो गया है। आप अगर चाहते हो इस पर सोशल मीडिया
का जो चेंज है उसे ऐड करना, तो आप उसे भी कर सकते हो। मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो आप लोग इस तरह से, ठीक है, इसको छोटा करके आप लोग इस पोजिशन में इसे सेट कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन रहेगा। अगर आप लोग चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको इसे भी खींच के फुल वीडियो की लेंथ बराबर कर लेना है। तो दोस्तों वीडियो आप बनकर रेडी हो गए, मैं प्ले करके आप लोगों को दिखाऊंगा कैसा हुआ है। उससे पहले दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे या वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करके देना। तो चलिए दोस्तों मैं थोड़ा सा प्ले करके आप लोगों को वीडियो को दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन एक वीडियो बनकर रेडी हो गया है। मैं पूरा वीडियो प्ले नहीं कर सकता कॉपीराइट इशू के कारण, नहीं तो आप लोगों को पूरा वीडियो प्ले करके दिखाता। लास्ट थोड़ा सा लास्ट वाला मैं आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ कैसा हुआ है। दोस्तों लास्ट वाले को आप लोग क्या करना है, एक पिक्चर को आप लोगों को लेंथ इंक्रीज करके रखना है तो बहुत ही बेहतरीन लुक आएगा। दोस्तों आप लोग इस तरह का वीडियो क्रिएट करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद है तो एक लाइक जरूर करके देना।